So how do we represent a vector quantity? If I have to represent 3.5 meters towards north, so we represent vectors using a arrow. तो भी नॉर्थ है, देखो तो नॉर्थ जनरली ऐसे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, करेक्ट. अब सपोज ये एक, ये 1 मीटर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो ये देखो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, बट आप बोलोगे तो 1 मीटर है. तो ऐसे मैं 3 एरोज ले लूंगा, पहले तो मैं ऐसे 3 एरोज लूंगा पहले, ठीक है. तो अभी देखो 1 2, फिर ठीक, या 1 2, फिर अभी देखो तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है. और अभी देन अगेन आई कैन टेक अ हाफ एरो, अप्रोक्सीमेटली हाफ एरो ले लेंगे हम इससे, तो ये 3.5 मीटर्स हो गए. देखो तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या है, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, एंड दिस इज 0.5 मीटर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. तो यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लाइक दैट, अज्यूमिंग दिस इज 1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. तो अब अगर मुझे 3.5 मीटर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? How do I represent? By drawing a line of 3.5 centimeter. तो इसको आप पूरा का पूरा ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, like this. Correct. तो like this you can represent any vector. तो basically vector को again कैसे represent करेंगे? Using an arrow. हम vector को कैसे represent करते हैं? Using an arrow. ठीक है. तो अगर suppose मुझे 5 newton का force represent करना है, तो again what I'll do? I'll मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है. इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. अब फोर्स का कुछ डायरेक्शन होगा ना, तो बहुत ही सिंपल तरीके इसको एरो से रिप्रेजेंट करो. मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, आपने इसमें एक स्ट्रिंग बांध दी और आप इस ब्लॉक को खींच रहे हो. जनरली खींचने का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है ना, आप ऐसे खींचते हो ना, तो विल से लाइक दैट. तो अगर मैंने मैंने समझो बोलो 5 न्यूटन का फोर्स है ये. Let's say this is 5 newtons force. So what I'll assume, ये जो है, this is made up of 5 such parts. 1, 2, 3, 4, and 5 like that. ठीक है, तो 5 arrows से बना होगा. Like this we'll assume. तो यहाँ पर again we'll say 1 newton is equals to 1 centimeter like that. We can say it like. आप यहाँ पे 1 centimeter की जगह 0.5 centimeter भी ले सकते हो. Depends on your scale. Scaling आपके ऊपर है. ठीक है. तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट, जिसमें ये पार्ट हेड हो गया, ये पार्ट टेल हो गया. एंड स्केलिंग वेक्टर का इंपॉर्टेंट है. तो स्केलिंग के लिए आपको उसको एक प्रॉपर, जैसे जैसे अगर 3.5 मीटर तो बहुत बड़ा है ना. अगर मैं 3.5 मीटर अपनी स्क्रीन पे प्रोबेबली बनाऊंगा, तो इट मे नॉट फिट इन माई स्क्रीन ओवर हियर. तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर स्केल के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Correct?